अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गूगल एड्स ऑक्शन। गूगल की बेसिकली गूगल एड्स की ऑक्शन किस तरह से वर्क करती है, या बेसिकली गूगल एड्स के अंदर जितने भी एडवर्टाइजर हैं वो किस तरह से अपने आप को फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर अपने ऐड को रैंक करते हैं, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल, वही लास्ट वाली एग्जाम्पल को मैं लेके चलूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाली। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के ऊपर जैसे ही हमारे पास स्पॉन्सर ऐड आ रहा है, एक दो तीन, तीन स्पॉन्सर्स ऐड आ रहे हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो तीन स्पॉन्सर्स ऐड हैं, क्या यही सिर्फ लगे थे इन क्यूरी के अगेंस्ट, या और भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स थे जो कि इन स्पॉन्सर ऐड के ऊपर, जो कि जिन्होंने इन कीवर्ड के ऊपर जो है अपना ऐड लगाया था लेकिन उनका ऐड शो नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा चार या पांच प्लेसमेंट होती हैं, ठीक है, या मैक्सिमम छः होती हैं, लेकिन मैंने बहुत कम देखी हैं छः प्लेसमेंट। सिर्फ जो है ना चार या पांच आपकी प्लेसमेंट होती हैं आपके फर्स्ट पेज के ऊपर। तो बाकी के जो एडवर्टाइजर्स हैं, इतने लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पीछे अपना ऐड रन कर रहे हैं, गूगल को एक अमाउंट पे कर रहे हैं इस क्यूरी के ऊपर अपना ऐड शो करने की, तो वो लोग क्यों नहीं यहाँ पर आए? तो इस चीज़ के ऊपर हमने आज वर्किंग करनी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ काइंडली वो देख लें, क्योंकि हर वीडियो दूसरी वीडियो के साथ लिंक है, ताकि आपको कंप्लीट सीरीज समझ में आए। क्योंकि गूगल एड्स की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ कि जिन लोगों के जितनी भी क्यूरीज हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि इस वीडियो के थ्रू, इस प्लेलिस्ट के थ्रू वो एड्रेस हो सके। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल के नोटिफिकेशन बटन को, बेल के बटन को लाजमी दबा लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, कमिंग बैक टू द वीडियो, अब हम सबसे पहले जो सिर्फ ये देखेंगे, मैं अभी आपके सामने जितनी भी क्यूरीज हैं, कुछ भी है, वो मैं गूगल पे इस वजह से टाइप करके समझाता हूं, ताकि सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो बेसिकली हर एक सेकंड के बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर सिर्फ, अब मैंने ये देखना है कि गूगल एड्स, हाउ गूगल एड्स ऑक्शन वर्क। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये टाइप किया, मैं सिंपल इसको करता हूँ, सिंपल सिंपल आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं इनमें से कोई भी एक पिक्चर जो है वो ओपन कर लूँगा। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक इसकी पिक्चर आपको ओपन हो गई है। मैं इसको, इमेज को सेव कर लूँगा और इसको यहीं से ओपन करूँगा ताकि इसका ज़रा रिजल्ट थोड़ा बेटर हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास एडवर्टाइज़र है। अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी कि चार से ज़्यादा एडवर्टाइज़र नहीं आते, इस एग्जांपल के अंदर भी चार ही एडवर्टाइज़र है, एडवर्टाइज़र 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इन्होंने मैक्सिमम बिड लगाई हुई है, एडवर्टाइजर वन ने $2 लगाई हुई है, एडवर्टाइजर टू ने 4 लगाई हुई है, इसने 6 लगाई हुई है और इसने 8 लगाई हुई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर तो 8 वाले ने सबसे ज्यादा पैसे, तो चौथा एडवर्टाइजर दे रहा है, उसका एड सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर एडवर्टाइजर 4 जो है वो नीचे क्यों बैठा है? यहां पर सिर्फ बात आती है कि गूगल एड ऑक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे रन होती है, वो एड रैंक है। जब तक आपका ऐड रैंक नहीं होता, आप भूल जाएं कि आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पीछे आप अपना ऐड लगाएंगे तो आपका ऐड उधर शो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। अब यहाँ पर क्वालिटी स्कोर आता है, देखें 2 × 10 इज इक्वल टू 20, 4 × 4 इज इक्वल टू 16, 6 × 2 इज इक्वल टू 12, 8 × 1 इज इक्वल टू 8। अब एड रैंक किसका सबसे ज्यादा हुआ? 20 वाले का। अब उसका क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर 10 है, पूरा उसका क्वालिटी स्कोर है। ठीक है, अब एडवर्टाइजर टू $4 दे रहा है लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर जो है वो 4 है। ठीक है, 4 × 4 इज इक्वल टू 16, तो वो दूसरे नंबर पे आ रहा है हालांकि वो तो $4 दे रहा है। अब क्वालिटी स्कोर इस तरीके से आपका काउंट होता है कि एक तो आपकी, मैं आपको ये भी गूगल के ऊपर टाइप करके दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे सर्च इंजन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमने चीज़ों को समझना होता है और राइट डायरेक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ देखूंगा क्वालिटी स्कोर ऑफ गूगल एड्स, सिंपल। ठीक है, मैं क्वालिटी स्कोर ऑफ गूगल एड देखा, गूगल रेटिंग, क्वालिटी स्कोर, हाउ डज क्वालिटी स्कोर वर्क्स गूगल एड्स। ठीक है, मैं गूगल का एक ऑथराइज्ड ब्लॉग उठा लेता हूँ जिसके ऊपर उन्होंने सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। क्लिक थ्रू रेट नंबर 1, नंबर 2 एड रेलिवेंसी, नंबर 3 लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक हो गया, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, सिर्फ ये एक तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। आप $8 भी दे रहे हुए ना, अगर आपका लैंडिंग पेज थका हुआ हुआ ना, आपका कंटेंट जो है वो मैच ना कर रहा हुआ, रेलिवेंसी ना हुई, तो गूगल ने आपके ऐड को कभी भी पहले नंबर के ऊपर शो नहीं करवाना। ठीक हो गया, ये चीज़ अपने जहन के अंदर रख लें।
नंबर टू आपकी रेलिवेंसी कितनी है। अब एड रेलिवेंसी तब भी होगी जो कीवर्ड आप, लेट से मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन मेरी टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कि यहाँ पर बेसिकली शो हो रहा है, ये देखिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मार्केटिंग इन डिजिटल एरा, लेकिन इन्होंने साथ एक्सटेंशन दी हुई है एडमिशन रिक्वायरमेंट कस्टमर, यहाँ पर मार्केटिंग यूज हो रहा है, यहाँ पर मार्केटिंग यूज हो रहा है, यहाँ पर मार्केटिंग यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके सारे कोर्स हैं। यहाँ पर डिजिटल यूज हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी डिजिटल मार्केटिंग, लर्न फ्रॉम टॉप प्रोफेसर, ऑर्डर इनका आगे पीछे हो गया लेकिन पूरी की पूरी आपका एग्जैक्ट कीवर्ड आपका वो हेडलाइन के अंदर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ रहा है। यहां से आपकी क्या चीज कैलकुलेट होगी, एड रेलिवेंसी। अब जो है लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस, लेट से मैं इसको खोलता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये जो जिन भी लोगों ने यहाँ पर एड लगाया हुआ है हम आप उसको खोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा है फॉरवर्ड मेडिकल मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान, ठीक है। फॉरवर्ड इज अ फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प प्रोफेशनल, ठीक है जी। आर प्रोग्राम के अंदर आ गए, आर प्रोग्राम के अंदर इन्होंने सारी चीजें मेंशन की हुई हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर टाइमलाइन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा कितने लोग पढ़ चुके हैं, इसके अंदर सारे टेस्टिमोनियल्स ऐड हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऐड हुए हैं, इनकी ब्रांचेस किधर किधर है, तो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बेशक इन्होंने, मे भी हो सकता है कि ये एडवर्टाइजर 1 की जगह हो, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने एक और खोली है, मे भी हो सकता है कि ये $3 दे रहा हो, ठीक है, लेकिन इसका 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, इसका क्वालिटी स्कोर 15 है, ठीक हो गया, तो वो सेकंड नंबर के ऊपर आ रहा है, उसका एड रैंक वो है। अब 20 जो है वो एड रैंक उसका फर्स्ट है लेकिन वो $2 दे रहा है। इसी तरह इनका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस हो गया काउंट, तो मैं यही प्रेफर करूंगा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, टेस्टिमोनियल्स, एफएक्यूज, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, सब के अंदर आपकी वो चीजें मेंशन होनी चाहिए, तब जाके आप गूगल पे टॉप पेज पे आएंगे। अगर कोई बंदा ये कह देता है जी मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को जो है गूगल एड्स में जाके कीवर्ड के अंदर डाल दूंगा और बस टाइटल डाली, डिस्क्रिप्शन डाला, पता ही नहीं है लैंडिंग पेज क्या है, पता ही नहीं है एक्सपीरियंस क्या आ रहा है और उसकी स्पीड भी उस तरीके से डाउन हो रही है, तो भाईजान आप कभी भी पहले नंबर पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ही जो है इन चीजों को समझ सकता है या उस चीज उस तरह से आपको गाइड कर सकता है। तो इस तरह से बेसिकली गूगल एड्स का ऑप्शन वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि और भी इन लोगों को इस वीडियो से फायदा हो। तो मेरे साथ रहिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।